कहाँ तक जाना है भाई साहब? जहाँ तक ये बस जा रही है। एक मिनट, बस के लास्ट स्टॉप पे क्यों जाना है तुम्हें? तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए मुझे? वापस उसी आश्रम में? ये तुम लड़कियों का सवाल के बदले सवाल करना कोई रिवाज है क्या यार? इतनी बड़ी टेंशन से निकाला है अब तुम्हें, अब दोबारा किसी टेंशन में फंस के? भाई मैं नहीं जाना चाहता किसी टेंशन में फंस। तो तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कब कहा तुम्हें कि मेरे साथ आओ? ओ भाई साहब जल्दी बोलिए, कहाँ तक जाना है? कितने लोगों का टिकट देना है अभी? भाई साहब आप पहले उनका लीजिए ना, 5 मिनट। जब तुम मुझे नदी किनारे मिली तो क्या मैं तुमसे पूछता कि मैडम मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूं? हाँ, और इस झमेले में फंसने से पहले मैं आपसे आके पूछता मैडम क्या मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ, और अब तुमने झटाक से एकदम से कंडक्टर को बोल दिया कि बस के लास्ट स्टॉप पे चलो। बिल्कुल सही कहा, अगला स्टॉप आने वाला है, तुम उतर जाना। ओ हेलो कबीर बहल, अपनी मर्जी का खुद मालिक है, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं उतरने वाला, ठीक है? अच्छा, कबीर बहल अपनी मर्जी का मालिक है, जो मर्जी में आएगा वही करेगा। ये फिल्मी डायलॉग ना तुम मेरे सामने मत मानना, समझे तुम? करो जो तुम्हें करना है। जब तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है तो तुम मेरे साथ हो क्यों? देखो तुम्हें तो वैसे भी मेरी बात सुननी नहीं है क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम मेरे लिए अनजान हो, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और क्या? वो कमाल है, शादी करके दो अजनबी एक हो जाते और अब शादी के बाद अजनबी हो रहे हो। आप चुप रहिए, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, समझे आप? और भाई साहब आपको मेरे से क्या दुश्मनी है? शादी हो मेरे दुश्मनों की। गुस्से में ऐसा बोल रहा है बेटा, मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं बेटा, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जो नोक झोंक ना होती। नाक ऊंची करके रिश्ते नहीं निभाए जाते, पति पत्नी एक दूसरे को सॉरी बोल दे तो वो भी आई लव यू से कम नहीं होता। भाई साहब काकी ने एकदम सही बात बोली है, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, जिसको जिससे मिलना होता है उसे मिला ही देता है, अब आप मिल ही गए हो तो निभा लीजिए ना। ओ भाई साहब चुप करिए आप, सुन लिया आपका प्रवचन, निभा लेंगे हम अपनी शादी, आप अपनी में ध्यान दीजिए। तुमने ये क्यों कहा कि हमारी शादी हो चुकी है? अरे उसको चुप कराना था यार, कुछ तो बोलना था ना, बोल दिया, उसको चुप कराने के लिए बोला है। अच्छा देखो मेरी तरफ से जो कुछ भी हुआ है I'm sorry। मैं भी सॉरी। लो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया, एक काम करते हैं अगले स्टॉप पे उतर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही करता है और फिर हमेशा मुझे मना भी लेता है, मैं करूं भी तो क्या करूं मम्मी? ऐ की इतने मोती जैसे आंसू खर्च ना कर, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मैं तेरी शादी कराऊंगी उस कबीर से, अन्ना लोड़ ना ले बच्चा।
पायल, पायल उठो, उठो। तुम अभी तक गए नहीं, यहीं हो? पूरी रात मेरे कंधे को टीका तकिया बना के सो रही थी और अब मुझसे पूछती हो कि तुम गए नहीं? वाह, ऐसे तो लड़कियां ये सब बातें, आई मीन ऐसी बातें लाती कहां से हो? हाँ, बस ढाबे पे रुकेगी, जिनको चाय नाश्ता करना है उतर जाइए। चाय पीनी है तुम्हें? नहीं। हटो। हाँ। राजधानी एक्सप्रेस बनने जा रही हो? अच्छा, तुम्हें चाय पीनी है ना? मुझे भी पीनी है। तो एक काम करो, तुम बैठो बस में, मैं लेके आता हूँ चाय। हाँ, भाई साहब जरा देख कर चलो ना। भाई क्या तो क्या भाई साहब क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना। अरे 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 पाजी 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 पाजी, अनजान लोगों को दोस्त बना जाता है, दुश्मन नहीं। छोड़ दीजिए। ए और भाई साहब आप भी गुस्सा थूक दीजिए, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, अरे अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब। वैसे आप देखने में तो अच्छे परिवार से लग रहे हैं और पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो ऐसे कहाँ गया वो ऐसे लोगों से? अरे सत श्रीकाल पाजी, ये कहाँ गए? कि अचानक से घबराहट से क्यों होने लगी मुझे? कोई अनजाना सा अनदेखा सा डर जैसे मेरे करीब आ रहा हो। लो भाई गर्मा गर्म चाय। पायल, पायल। हाँ। अरे ऐसी बुत क्यों बनी खड़ी हो? बस से तो तुम राजधानी की स्पीड से उतर रही थी, क्या हुआ तुम्हें? कबीर पता नहीं, मुझे मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं। हाथ पर काम नहीं कर रहे? अच्छा मैं समझ गया, वो पूरी रात मुझसे बहस की है ना, उस वजह से तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तो इसीलिए ये ताकत वाली चाय। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चाय तो लो, बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं बड़ा ही फिल्मी बच्चा हूँ, बचपन से मैंने फिल्में गाने ये सब 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 देख के सीखा है। मैंने ये भी देखा है कि जब हीरो हीरोइन एक अनजान सफर पे निकलते हैं ना, तो हीरोइन हमेशा भाग जाती है और बेचारा हीरो उसे ढूंढता रहता है, पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। पागल हो तुम। जमाने का दस्तूर है गुड़िये, हर बुद्धिमान आदमी को ना सबसे पहले पागल का खिताब मिलता है। तो बताओ पायल कहाँ जाना है? कबीर मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ, अब और नहीं करना चाहती। तुम प्लीज अपने घर लौट जाओ, मेरे पास तो लौटने की भी कोई वजह नहीं है, और मैं तो कहीं भी जाऊं हर शहर अनजान लगने वाला है।
लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो तुम्हें सताती रहूंगी हर वक्त, तुम पे और बोझ नहीं बनना चाहती। मॉम, चोटवड़ा और कितना दूर है? मॉम ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है फिर, हो गया फैसला। कंडक्टर साहब, दो टिकट चोटवाड़ा की। तुम्हें पता है दो वजह है चोटवाड़ा जाने की, पहली तो मैं कभी गया नहीं और दूसरी कि ये बस भी वहीं जा रही है। देखा है ना, बिल्कुल फिल्मी लॉजिक। चाय पियो चाय। ओ भाई साहब उठो। पायल, पायल कहाँ गई? अरे आपकी पत्नी उतर गई है, लास्ट स्टॉप आ गया है जोटवारा मंदिर। और मेरी पत्नी नहीं है यार। माँ जी थोड़ा साइड दीजिए। मुझे बस में अकेला छोड़ा है? अगर मैं तुम्हें कहीं अकेला छोड़ देता फिर? डर गए? हाँ डर तो लगता है ना यार, एक अनजान जगह पे तुम किसी को जानती नहीं हो। किसी को क्या, तुम अपने आप को नहीं जानती हो। और डर लगेगा ना कि दोबारा तुमने किसी मुसीबत से हाई हेलो कर ली फिर। अच्छा अच्छा बस 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 का झगड़ा बस में खत्म हो गया। ठीक है देखो हम कितनी अच्छी जगह है, मंदिर है, इतना अच्छा माहौल है। और मैंने ना अभी अभी किसी को कहते हुए सुना, इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगते है ना वो पूरी हो जाती है, इसलिए मैं शांति के साथ प्रार्थना करने जा रही हूँ। एक मिनट, शांति कौन है? तुम्हारी नई दोस्त है क्या कोई? अब तक तो नहीं है, लेकिन हाँ भगवान जी ने चाहा ना तो जरूर बन जाएगी। चलो फिर मंदिर चलते हैं। पहले बार विदिता ऐसे ही मंदिर में मिली थी जब उसने मेरी जान बचाई थी। आज उसे विदा करने आई हूं तो विधिवत पूजा करके उसे विदा करूंगी। तुम तब तक पंडित जी से अस्थि विसर्जन पूजा के लिए बात करो। जी मां। भैया एक टोकरी चढ़ावे की दे दीजिए। सब कहते हैं तेरे चौकट से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, पर मुझे तो खाली हाथ ही लौटना होगा। मेरी मन्नत तो विदिता है जो अब मेरे पास लौट कर नहीं आ सकती।
मंगले शिवे सर्वाचारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाचारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी। उस हादसे के बाद जिंदगी तो लौटा दी आपने, पर मेरी पहचान मेरे अपने आज भी मुझसे दूर है। कहीं तो कोई तो होगा मेरा अपना, कोई रास्ता दिखाइए भगवान। जिंदगी दी है तो जीने की वजह भी दीजिए। आपने लकीरें तो सबके हाथों में खींची है भगवान, पायल को भी इसके हिस्से की खुशी से मिला दो। आज ये जो भी मन्नत मांगे बस पूरी कर दो। देख लो आज आपकी साख ताव पर लगी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मेरा दिल इतना बेचैन सा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अब कहीं से विदिता की आवाज आएगी? देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा। जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः।